हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फुल फॉर्म। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक फुल फॉर्म है जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है पीसी, तो पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पीसी इन स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो मेन सीपीयू जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको मॉनिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर भी बोला जाता है, इसी को मॉनिटर बोलते हैं। उसके बाद है एलसीडी, जो फ्लैट वाले कंप्यूटर होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो फ्लैट वाले जो सिस्टम होते हैं, जो छोटे पतले वाले जो कंप्यूटर होते हैं, मतलब मॉनिटर होते हैं, उनको एलसीडी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा 3G 4G, ये क्या होता है? 3G स्टैंड फॉर थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी जनरेशन। उसके बाद है नेक्स्ट पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, जो बोलते हैं ना पीडीएफ में हमें डॉक्यूमेंट भेजो, तो पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीआरटी, सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। जैसे पहले के जो मॉनिटर होते थे उनका बड़ा सा साइज होता था, तो उनपे जो पिक्चर ट्यूब लगती थी उनको सीआरटी बोला जाता था। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनको सीआरटी बोला जाता था। तो इस वीडियो में मुझे बेसिक चीजें बतानी थी आपको कि फुल फॉर्म, जो बेसिक फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।